देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग। मऊ जिला और देवरिया गोरखपुर जिले की सीमा पर हुंकार भरती घाघरा नदी के बेहड़ में फलता फूलता कच्ची शराब बनाने का कारोबार। ये कारोबार अब लघु उद्योग का रूप धारण कर चुका है। हजारों लोग इस अवैध कारोबार में लगे हुए हैं। अवैध शराब भट्टियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में जितने अवैध शराब बनाने वाले हैं उनके यहाँ छापेमारी की गई, जिसमें 230 लीटर करीब शराब बरामद हुई और काफी जब्त किया गया, जिसमें दो अभियुक्त पकड़े गए और 2-3 फरार हो गए, जिनके लिए दबिश जारी और आगे भी कार्रवाई की जाएगी। दोहरी घाट और मधुवन थाना क्षेत्र कच्ची शराब बनाने वालों के लिए मशहूर है। समय समय पर पुलिस शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करती रहती है। इसी कड़ी में दोहरी घाट पुलिस ने कोतवाल संजय सिंह की अगुवाई में घाघरा नदी की तलहटी में छापेमारी कर सैकड़ों लीटर शराब के साथ कई लोगों को पकड़ा और कई भट्टियों को तोड़ डाला। पुलिस में इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मच गया। यूपी क्राइम न्यूज के लिए संवाददाता जगदीश सिंह की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं यूपी क्राइम न्यूज, अपराध के खिलाफ जंग।